प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया चित्र किस स्थान का है? पार्क का। चित्र में कितनी लड़कियां दिखाई गई हैं? पांच। चित्र में महिला कहाँ बैठी है? बेंच पर। चित्र में कितने लड़के हैं? छह। वृद्ध व्यक्ति के साथ कौन बैठा है? दादी जी। वृद्ध व्यक्ति कहाँ पर बैठा है? बेंच पर। चित्र में दिखाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है? दो। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्रिकेट, कूद रस्सी। लड़कियां क्या कर रही हैं? रस्सी कूद। कितने लड़के व्यायाम कर रहे हैं? एक। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोल कर प्रकट करते हैं। भाषा के प्रकार बताइए। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेतित भाषा। मौखिक भाषा की डेफिनेशन बताइए, परिभाषा। जब हम अपने मुंह से बोल कर अपनी बात किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा बताइए। जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा की परिभाषा बताइए। जो भाषा को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम संकेत भाषा कहते हैं।